छोटी सी दिवाली की शॉपिंग थी, छोटा सा ही ऑर्डर था। एक तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेनी थी, बोले लिए मैंने। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। 10 सुबह के बजे हैं 7, और भाई आज मंगलवार है, 2 नवंबर 2021। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाश्ता हो चुका है, अब काम पे निकलने की तैयारी है, मैं निकल रहा हूँ अपने स्टेशन के लिए। तो चलिए स्टेशन चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब, हम आ चुके हैं अपने मथुरा जंक्शन पे, सुबह के बज रहे हैं अब 9। आ तो काफ़ी पहले गया था, लेकिन भाई आज धनतेरस है और काम का दिन है, तो आज काम निकल रहा है और अच्छा खासा निकल रहा है। 2 चक्कर लगा के आ चुका हूँ मैं। अब थोड़ी सी फुर्सत हुई है क्योंकि सवारी नहीं है, तो सोचा आप लोगों से मिल लिया जाए। तो भाई आज लग रहा है वाकई में कि दिवाली का टाइम है और थोड़ा बहुत काम निकल भी रहा है। तो आज से लगा है कि दिवाली है, धनतेरस वाले दिन से। और हाँ यार, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई भाई। बंसीवाला करे, माता लक्ष्मी करे कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ आज का दिन शुरू कर रहे हैं भाई। ये मथुरा जंक्शन है हमारा, 2 चक्कर लगा दिए। आते ही आते मेरे को डग्गे मारी में 2 चक्कर लग गए, तो मैंने सोचा नहीं, मैं जो गाली देगा देता रहेगा, पहले अपनी मौनी करते हैं, जेब में कुछ पैसे आते हैं उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो 2 चक्कर लग गए भाई। तो भाई साहब, जमुना जी किनारो बहुत दिन बाद दर्शन हुए, आज आप भी करो। ये लोग MP से आए घूमने के लिए। कौन सी जगह से अंकल? MP कौन सा जिला? डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला से घूमने आए। अच्छा 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 अच्छा, राधे राधे बोलिए सब जोर से। राधे राधे। तो चलिए भाई, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जमुना जी के दर्शन करा देता हूँ। घुमाने की सवारी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रही है भाई, क्या करूँ। लेकिन आज ये जमुना जी के साथ सवारी थी, जमुना घाट नहाने की कह रहे थे तो मैं इनको लेके चला आया। ये है हमारी मथुरा की जमुना जी भाई, बंगाली घाट पे इस वक्त हम लोग। ये देखिए, दर्शन कर लो मुझे खुद भाई, 15 से 20 दिन लग गए जमुना जी पे आने के लिए, सवारियाँ ही नहीं मिलने में आ रही, क्या करें यार। और बिना सवारी के हम लोग आ नहीं पाते भाई। तो ये जमुना जी का बंगाली घाट है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त। ये पीछे चबूतरा बना हुआ बैठने के लिए, गुरु जी बैठे हुए हमारे, पंडा जी ने बोलते हैं। और ये जमुना जी का नज़ारा है भाई, सुबह 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 के अभी 9:30 बजे हैं। मथुरा जंक्शन से ही मेरे को 7 सवारियाँ मिल गई थी, थोड़ा सा कम ही रहा, घाटा ही रहा, 20 रुपये सवारी लेते हैं हम लोग, ये लोग 120 दे रहे हैं। 7 बजे मैंने ले आया, मैं चलो यार त्यौहार का टाइम है, धनतेरस है, कोई बात नहीं है, मेरे दर्शकों को जमुना जी के दर्शन हो जाएंगे, ये भी मेरे लिए काफ़ी होगा। तो हम यहाँ से निकलूँगा मैं, तो जमुना जी के दर्शन आप लोगों को करा दिए भाई। तो चलिए, और भाई जमुना जी के किनारे खड़े होकर आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ यार थोड़ी सी सुनो मेरी भी भाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, या पहले कभी आपने हमारा वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, जमुना जी के आपको दर्शन कराई दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बंगाली घाट का चक्कर लगा के आया हूँ, और दोबारा से हमें विश्राम घाट की सवारियाँ मिल गई हैं। तो 3 गाड़ियों की सवारियाँ हैं, मैं, इकबाल और सोनू जा रहे हैं विश्राम घाट। पूछते हैं भाई साहब कहाँ से आए। ये हैं हमारी सवारियाँ, नंबर बाई नंबर बैठ रहे हैं। पीछे सोनू की गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, इकबाल की गाड़ी उधर है। 3 बंदे जा रहे हैं, 3 गाड़ियां लेके विश्राम घाट। और लगातार जमुना जी की सवारियां मिल रही हैं, दूसरी बार लगातार मिली है मेरे को। इससे पहला भी चक्कर मैं विश्राम बंगाली घाट का लगा के आया हूँ, और थोड़ा उससे और आगे लगभग द्वारकाधीश मंदिर के करीब पहुँच जाते हैं। वहाँ से द्वारकाधीश मंदिर केवल 100 मीटर की दूरी पर ही है। सोनू लगा हुआ उधर गाड़ी भरने में अपनी। सोनू मेहनती बहुत है हमारा, कुछ भी सही यार, बहुत मेहनत करता है ये बंदा। ये देखिए, सामान खुद ही उठा उठा के रख रहा है, जबकि एक पैर से लाचार है, विकलांग है बेचारा। सोनू कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं द्वारकाधीश विश्राम घाट। द्वारकाधीश का नाम मल्ले में लफड़ा हो जाएगा, अंदर घुसवानी पड़ जाएगी गाड़ी। ये रही इकबाल, ये सामने इकबाल है। मेरी गाड़ी फुल हो चुकी है पहले ही भाई। भाई साहब जैसे तैसे सही, पर अब आज लग रहा है कि आज वाकई में दिवाली का टाइम है, और बहुत आज लगभग 15 से 20 दिन बाद ऐसा हो रहा है कि एक सवारी छोड़ रहे हो तुरंत ही दूसरी सवारी मिल रही है। तो आज वाकई में दिल अंदर से खुश है यार, काम करके थोड़ा सा काम हो गया भाई, तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस हो रही है कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ आगे। आज कई चक्कर लग गए, 2 तो मेरे जमुना जी के ही लग गए, एक बार बंगाली घाट गया था और एक बार विश्राम घाट। और विश्राम घाट वाला चक्कर तो इतना भयंकर था भाई साहब, इकबाल जो लेके गया था हमें, तो लीड वही कर रहा था, उसी की बात हुई थी सवारियों से, और उसने कह के ले गया था हमको यहाँ से विश्राम घाट के लिए, लेकिन जाना था उन्हें ये जो है क्या नाम है हमारा स्वामी घाट के लिए। तो स्वामी घाट और विश्राम घाट के बीच में द्वारकाधीश मंदिर आ जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो पाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बार चालान कट जाते हैं, पुलिस वाले
हाथ भी छोड़ देते, डंडा पटेंगे भी हो जाता है, लेकिन आज द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हुए गए थे बाबा आज कैसे भी बचा ले, तो ना तो चालान कटा ना ही कोई पुलिस वाला मिला, भाई आराम से क्रॉस करके पार हो गए थे। भाई साहब किसी ने क्या खूब कहा है कि जब अगर अपनी तरक्की और अपने सफ़र को देखना हो आदमी को, तो किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ से आपको लगे कि मैं हाँ यहाँ 5-6 साल पहले आया था और आज कितना बदलाव आ गया। तो जैसे आजकल लोग कहते हैं ना अंधी दौड़ चली हुई है, लोग एक के पीछे एक भगा जा रहा है, तो कुछ ऐसी रेस में हम भी लगे हुए हैं भाई, जितने भी दुनिया में लोग लगे हुए हैं कमाने खाने वाले, मैं भी हूँ, आप भी हो या कोई और भी हो, तो सबके सब ऐसी एक दौड़ में लगे हुए हैं। आज ऐसा हुआ यार कि मैं सवारी लेके यहाँ से गया था, हमारे यहाँ जो लोग मथुरा के रहने वाले हैं वो लोग सभी जानते होंगे कि मथुरा में एक जगह है गणेशरा, जहाँ पे एक स्टेडियम है छोटा सा और पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, पुलिस वगैरह की, पुलिस के क्वार्टर भी हैं बहुत सारे वहाँ पे। तो गणेशरा में यहाँ से एक सवारी लेके गया था, वो पुलिस वाले ही थे जो जिन्हें मैं लेके गया था, यहाँ पे कुछ लोग कोई 150 मांग रहा था, कोई 200 मांग रहा था उनसे, और पुलिस वाले पैसे दें यही होता है यार, वो लोग 100 रुपये दे रहे थे वो, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैंने बोला चलो सर मैं लेके चलता हूँ, तो मैं लेके गया। कुछ तो मेरे अंदर से इच्छा थी कि काफ़ी दिन हो गए मैं गया नहीं था उस तरफ, लगभग 4-4.5 साल बाद में गया था, और ज़्यादा ही हो गए होंगे, लगभग 5 साल के करीब। वहाँ पे एक कॉलोनी है राधापुरम स्टेट, गणेशरा से थोड़ा सा पहले पड़ती है। मैंने भाई जब मैं प्लम्बरिंग का काम करता था लगभग 4 से 5 मकानों में फिटिंग की थी मैंने वहाँ पे, तो आज मैं 4-5 साल बाद गया था वहाँ पे, जाके देखा तो पहले जंगल हुआ करता था, एक तरफ तो पूरा जंगल ही था, 2-4 कपड़ों की फैक्ट्रियाँ थी और एक टोंटी फैक्ट्री थी वहाँ पे। भाई आज देख के पूरा चौंक गया, मेरा सर घूम गया, इतनी तरक्की हुई है उस जगह पे गणेशरा वाले रोड पे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यार बड़ी बड़ी, और पूरा का पूरा शहर बस गया उस रोड पे। इतना शहर बहुत, हाँ गणेशरा, हाँ जी बहुत, कभी कुछ नहीं था वहाँ पे, योगी महाराज ने कराया हमारे। आज मैं गया वहाँ पे तो भाई बिल्कुल चौंक गया मैंने, यार ये क्या हो गया, सिर्फ 5-6 सालों में पूरा का पूरा नक्शा ही बदल गया उस जगह का। तो जो लोग गणेशरा जाते रहते हैं या कभी गए हैं उन लोगों को पता होगा कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कि हमारी जो कॉलोनियाँ हैं कुछ भी नहीं है इधर। मैं अपनी कॉलोनियों को सबसे अच्छी मानता था मथुरा में कि हमारी कॉलोनी सबसे विकसित और सबसे साफ सुथरी है, लेकिन उस तरफ तो यार बिल्कुल अलग ही नज़ारा बन गया है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मैं देख के पूरा घूम गया आज, मैंने यार हो क्या गया। और मैं सोचता था यार कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता जब भी चलता जब पुरानी जगह पर जाके देखते हो कि हम वाकई में दुनिया के साथ कितना चल पा रहे हैं, कितना दौड़ पा रहे हैं। तो आज वहाँ जाके बिल्कुल लगा यार कि जैसे हम तो कभी चले ही नहीं थे, कभी दौड़ में थे ही नहीं किसी में, ऐसा लगा जैसे हम तो किसी एक जगह पर खड़े हुए हैं। तो कभी कभी आंखें खोलने के लिए ऐसी जगह पर जाना भी अच्छा रहता है, और वाकई में आज यार आंखें खुल गई कि मैं तो कहीं अभी दौड़ तो क्या कभी स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने। आज भाई मैं गया था घर पे दोपहर में नहाने धोने के लिए, अभी 3:30 बजे हैं दोपहर के, थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ मैं, आधा घंटे पहले आया था, 3 बजे आ गया था स्टेशन पे आज, थोड़ा सा काम के लालच में भाई झूठ नहीं बोलूँगा, आज सुबह अच्छा काम निकला था तो मुझे दोपहर की भी यही उम्मीद थी, तो मैं जल्दी निकला आया, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मैं 4 या 4:30 बजे तक स्टेशन पे आता हूँ, आज 3 बजे निकला आया था। और जब घर पहुँचा था आज मैंने सुबह से जो कमाया था, मेरी बेटी अंजलि है, कहते हैं बेटियों को बाप की ज़्यादा फिक्र रहती है, तो सिर्फ मेरी बेटी भी है भाई, एक अंजलि नाम है उसका, बड़ी बेटी मेरी है, छोटा बेटा है मयंक। तो अंजलि बोली पापा दिवाली आ रही है, हम सब के पास कपड़े हैं, गीता अपने लिए कपड़े ले चुकी है, मंकू के लिए ले चुके हैं, अंजलि के भी हैं, केवल मैं घर में ऐसा हूँ भाई, मेरी जब से एक्सीडेंट हुआ है लगभग 6 से 7 साल होने को आ गए, कभी किसी दुकान पर जाने की इच्छा ही नहीं होती, कुछ नया ख़रीदने की इच्छा ही नहीं होती, मेरे लिए अंडरवियर से लेके जो भी चीज़ चाहिए होती है या तो गीता खरीद के लाती है या अंजलि जब अपनी मम्मी से ज़्यादा झगड़ा कर देती है तब आता है, तो मेरी इच्छा ही नहीं होती है कभी कुछ खरीदने की या कुछ पहनने की नया। तो आज अंजलि जिद पड़ गई थी कि आज धनतेरस है मुझे पैसे दे दो मैं कुछ ले आऊँगी मार्केट से, तो अंजलि मार्केट गई हुई है, मैं आया हूँ तब तक आए नहीं थे, मम्मी और अंजलि दोनों गए हैं, देखो क्या क्या लाती है। वैसे मैंने 2 टी शर्ट के लिए बोला है और 2 पैंट के लिए, क्योंकि मेरे पैंट भी थोड़े से नीचे से फट गए हैं, जो मोरी का हिस्सा होता है सबसे नीचे वाला वो थोड़े से फट गए यार। और भाई ईमानदारी से मेरे अंदर शौक तो रहा ही नहीं है जब से कोई भी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट में पैर चला गया था, जब से किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करती, जो जैसा मिल जाए मैं उसमें खुश रहता हूँ, और ना तो किसी को देख के जलता हूँ कि ये इतना अच्छा पहन के घूम रहा हूँ, ना किसी को देख के खुश होता हूँ कि ये इतना बुरा पहन के घूम रहा है। तो मेरी ज़िंदगी ख्वाहिशों के मामले में तो बहुत कंट्रोल्ड है, और ऊपर वाले ने बच्चे और बीवी भी ऐसी दे दी है कि बहुत ज़्यादा कभी किसी चीज़ के लिए मुझे फोर्स नहीं करते हैं भाई। अभी करवा चौथ गई है,
तो गीता के लिए मैंने केवल 1000 रुपये दिए थे मैंने, इसमें से जो कर सके तुम कर लेना अपना, और वो 1000 रुपये में ही खुश हो गई वो, तो अपना जैसा भी किया उसने करवा चौथ पे दुनिया की, और पता नहीं क्या क्या खर्च कर देते हैं लोग। तो भाई इस मामले में मैं बहुत लक्की हूँ, और कुछ कहते हैं ना कि आदमी के पास जैसी इनकम होती है वैसे शौक पाल लेता है और अपने आप पल जाते हैं, जब इनकम के ऊपर होता है सारा शौक करना, तो जैसी इनकम है वैसे ही बच्चों के शौक है। और सर फोड़ने वाले मेरे बच्चे ऊपर वाले ने मुझे दिए नहीं, 2 बच्चे दिए, दोनों जितना भी मैं कर देता हूँ मेरे से हो पाता है उसमें खुश हो जाते हैं। अब मंकू है, मंकू 2 दिन से रो रहा लगातार पटाखों के लिए, मैं मना कर रहा था आज दोपहर में जब मैं गया था घर पर, तो मेरे से आके बात करने लगा हो कि पापा पटाखे के लिए पैसे चाहिए, मैं मना कर रहा था मैं पटाखे नहीं चलाते बेटा जल जाओगे, या ज्ञान दे दिया थोड़ा सा कि प्रदूषण फैलता है ये हुआ वो हुआ, लेकिन मंकू थोड़ा सा जिद्दी है तो मंकू नहीं माना, मैंने चल थोड़ा सा ला देंगे यार तेरे को, तो मंकू के लिए पटाखे लाने हैं भाई थोड़े से जितने भी होंगे मंकू में, मैं ये जानता हूँ मैं 50 रुपये के ले जाऊँ या 500 रुपये के, वो दोनों में ही घुस हो जाएगा, 500 में भी घुस होगा 50 में भी। तो बच्चों की तरफ से ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा मुझे शांति दे रखी है कि कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं मेरे बच्चे, ना ही बीवी करती है भाई, इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को समझता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ये कि चारों तरफ रोशनी का त्यौहार मनाया जा रहा है दिवाली, और हमारे स्टैंड पे बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। ये जो पीछे की तरफ बड़ा वाला टावर है ये दिखा होगा आपको अभी, ये टावर 2 दिन से ख़राब है, लाइट नहीं जल रही है इस पर, तो पूरा स्टैंड अंधेरे में डूबा हुआ है हमारा। कल ख़राब हुई थी, कल का ब्लॉग भी मैंने घर जाके एंड किया था इसी वजह से, क्योंकि टावर ख़राब था, यहाँ अंधेरा था, और आज ये छोटी वाली लाइट तो सही कर दी है ये वाली, लेकिन बड़ा जो टावर है मेन टावर वो ठीक नहीं किया तो अंधेरा हो रखा है। सतीश भैया को, ये हमारे ठेकेदार जी सतीश भैया पीछे से हेलो कर रहे हैं, हाथ उठा के, राधे राधे सतीश भैया, राधे श्याम भैया, क्या चल रहा है? टावर क्यों नहीं सही हो रहा है सतीश भैया? टावर मेन टावर ही बंद है मेरा, रखा पूरी पार्किंग पे, अभी एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी बिजली वालों को, तब चालू हो। सतीश भैया बोले कंप्लेंट करनी पड़ेगी भाई, कंप्लेंट होने के बाद सही हो जाएगा। भाई साहब मैं खड़ा हूँ अपने दोस्त सलीम की दुकान में, भाई हमारा सलीम हमारा दुकान लगाता हर साल, हेलो कर सलीम। तो ये मेरा दोस्त है भाई सलीम, हर साल होली पे भी लगाता है रंग वगैरह की, और दिवाली पे इस टाइप की लगाता है भाई मूर्ति वगैरह बेचने की। तो भाई से मैंने 2-3 सामान लिए हैं, और थोड़ा सा बैक कैमरे पे दिखाता हूँ भाई की दुकान आपको, हमारे सलीम की दुकान भाई, ये रहा सलीम, ये सजावट वगैरह का कोई भी सामान चाहिए तो आप आ सकते हो, धौली ब्याह में दुकान लगाता है भाई हमारा, भाई लाइट वगैरह भी है, मूर्ति वगैरह भी है, एक से एक बढ़िया डिजाइन की, दिल्ली से लाता है कुछ, मथुरा से भी लेता है माल, तो हर साल का भाई साहब का झालर भी है, झालर भी बता रहा, झालर भी है। तो धौली प्याओ में भाई चुंगी वाली गली के सामने ही दुकान है, आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, और बगल में ही सलीम की दुकान। छोटी सी दिवाली की शॉपिंग थी, छोटा सा ही ऑर्डर था, एक तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेनी थी वो ले ली है मैंने, और ये पैर वगैरह के निशान शुभ लाभ वगैरह के, ये 2-3 आइटम लिए, बाकी के देखूंगा घर में से, और कोई ऑर्डर आएगा तो और ले जाऊंगा, भाई कहाँ जा रहा हमारा, 2 दिन दुकान है ये, तो छोटा सा शॉपिंग था आज हो गया भाई दिवाली का हमारा अपना भी, तो ये भाई की दुकान है अपने की, आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, और सही जेन्युइन रेट पे, ज़्यादा लगे महंगा तो मेरा नाम ले देना, फौजी भाई के देख के आए। तो भाई साहब शाम के बजे हैं 9:30, मैं हूँ अपने घर पे, पीछे हमारा मंकू है, सर्दी जुकाम की वजह से साई साई कर रहा है, इससे 100 बार कहते हैं हम लोग कपड़े पहना कर, भाई सर्दी का मौसम आ चुका है, नवंबर लग गया अब, लेकिन नहीं मानता ये, तो भुगत रहा है और हमें भी भुगतवा रहा है, त्यौहार के टाइम पे बीमार होना वैसे भी अच्छा नहीं होता, और ये खांसी जुकाम लेके बैठ गया है। तो भाई वो आज हल्की फुल्की सी दिवाली की शॉपिंग भी की, घर से आदेश आया था भाई कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी लानी है और एक झाड़ू, क्योंकि धनतेरस के टाइम पे झाड़ू का थोड़ा सा ज़्यादा महत्व होता है, तो इस वजह से झाड़ू भी लेके आया, और 50 रुपये की झाड़ू दी है यार, जो 30-35 रुपये की आती थी, तो आज 15-20 रुपये बढ़े हुए हैं हर चीज़ पर, खासतौर से बर्तनों की दुकानों पर और झाड़ू की दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं अपने दोस्त के पास ही गया था सलीम के पास, वहाँ से मैंने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ली और 2-3 और हल्के फुल्के आइटम, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तो कोई शॉपिंग थी नहीं, छोटी मोटी शॉपिंग थी, लेकिन दिवाली की शॉपिंग थी भाई, तो दिवाली की हल्की फुल्की शॉपिंग की आज। और भाई आज फिर से, कल भी टावर नहीं जला हुआ था स्टेशन का हमारे का, आज भी लाइट बंद थी, काफ़ी अंधेरा था, तो मैं ब्लॉग घर पर ही एंड कर रहा हूँ, हालाँकि सोच के यही गया था कि स्टेशन से एंड कर दूंगा, लेकिन घर पर एंड करना पड़ रहा क्योंकि लाइट नहीं थी वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना,
और हाँ यार, छोटी सी एक बात और भूल गया, अगर आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ना चाहते हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों लिंक दे रखे हैं, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम की, तो आप लोग हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।